ये सब बात तो दूर है। पहला बात तो ये है कि दहेज प्रथा चला है बिहार में मनमाना ढंग से, है ना। आप लेंगे या नहीं लेंगे बनने के बाद? देखो अब तो भाई बन भी था ना, अब बनला के बाद तो अब लेना, अब देवे में कोई देती हमारा दहेज तो हमारा लेवे में क्या दिक्कत है, अच्छा, है? मतलब लेंगे आप, आपको तो लेना नहीं चाहिए, आप खुद ही बन जाएंगे। अरे बन जाएंगे तो कोई दे देती तो ले लो भाई, ना देती था वैसा थोड़ा जबरदस्ती नहीं करेंगे। जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब तो हुआ बिहार में प्रचलन है कि जितना खर्चा वा कर लियो है ना उतना लड़किया के बाबूजी से लड़कावा के बाबूजी वाला वसूला हथिन, है ना। गर्लफ्रेंड तो सबके रहा है, गर्लफ्रेंड सबके रहा है, कोई के सपोर्टिव रहा है और कोई कोई मतलब कि ऐसे ही समझ लूँ ना टाइम पास रहा है। तो गर्लफ्रेंड उम्र के हिसाब से प्यार सबके हो जा है, गर्लफ्रेंड भी सबके रहा है, लेकिन कोई के प्यार सक्सेस होबा है, कोई के प्यार सक्सेस ना होबा है। तो हमारे गर्लफ्रेंड ना हथिन, हमारा गर्लफ्रेंड ना हथिन, हम गर्लफ्रेंड के पीछे रहो ना कराइए, वही ना। वो सब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला कल्चर हमने सब ना देखा लिया, गाँव से उठ के लिए है। बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ तक पहुँच के लिया, किसान के बेटा ही है, बीपीएससी निकाल लिया, फाइनल करवाए, आज भी रिजल्ट होले है, पीटी के मेंस के एग्जाम दबाए, पहले भी रिजल्ट होले है, मेंस दिलिया है, कुछ नंबर से फाइनल सिलेक्शन ना होला है, दरोगा के रिजल्ट होले है, रेंज ऑफिसर के रिजल्ट होले है, दरोगा में फिजिकल में रह गया है, रेंज ऑफिसर में इंटरव्यू दिली लेकिन कुछ नंबर से फाइनल सिलेक्शन ना होला है। अभी हम पहले बहुत रिजल्ट दिली है, SSC के रिजल्ट दिली है, रेलवे के भी रिजल्ट दिलिया है, पुलिस पुलिस दुनिया भर के रिजल्ट दिलिया, हम दुनिया भर के एग्जाम में दुनिया भर के रिजल्ट दिलिया है, लेकिन हमारा मेन टारगेट है बीपीएससी, मेरा करना है। बीपीएससी के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं? देखो बीपीएससी के हाथों के पीछे पड़े के बात कहो तो हमनी के जो स्टैंडर्ड है जितना समय पढ़ाई लिखाई में दिली ना शिवम भाई, वो तो अब हमनी के अब बीपीएससी ही है, और हमारा छोटका चीज छुए के मनो न करा है, बीपीएससी होते तो लेकिन बढ़िया है। आपके बीपीएससी में धांधलेबाजी बहुत, आरोप लगा रहे हैं छात्र की, मतलब गड़बड़ हो जा रही है, सीट बिछ रही है, ऐसा स्टूडेंट कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्वेश्चन गलत दे रहे हैं, ऐसा मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है, फिर भी आप तैयारी करें, पेपर लीक हो जाता है। हाँ तो वो पेपर तो लीक हो ही जा है, वो तो पुराना प्रचलन है बिहार के, बिहार में 1994 से 1994 से पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक के सेटिंग के बड़ी करीब से हम जाना ही, बड़ी करीब से देख ली है समझ लूँ ना। तो अब बीपीएससी की तो ही प्रचलन बिहारी है ना। छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? मैं देखता हूँ वहाँ के टीचर और छात्र छात्राओं के अंदर बड़ा जोश रहता है, बहुत सारे छात्रों को देखा है, जैसे SK झा सर से मैंने देखा है पढ़ते हुए, कहीं रोड के साइड पढ़ रहे हैं, कोई नदी के किनारे पढ़ रहा है, कोई रेलवे स्टेशन पर पढ़ रहा है, इतना जोश जुनून कहाँ से आता है? क्या कहना चाहेंगे उनको आप? बिहारी छात्र को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में एक जोश है, जुनून है, मोटिवेशन है बिहारी छात्र। बिहारी छात्र अपना दुनिया के कहीं भी चल जाऊँ ना, दुनिया के कोई भी संस्था में, IAS में, IPS में, बिहार बिहार सरकार के चाहे भारत सरकार के जितना भी बड़ा बड़ा संस्थान है सब में थोड़ा टॉप लेवल के अधिकारी बिहारी मिलते हैं, टॉप लेवल के अधिकारी बिहार सरकार के, अभी कम से कम 10 बिहार सरकार के, और बिहार सरकार तो बिहार सरकार ही है, भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कम से कम थोड़ा 10 गो 15 गो सेक्रेटरी हथिन, IAS हथिन, जो बिहार के हथिन समझ लूँ ना। तो उस सब में कोई दिक्कत ना है, पुराना जमाना से हम जो नालंदा के जही है, नालंदा के ना वो पूरा विश्व के शांति के संदेश दल के हला, नालंदा विश्वविद्यालय में जो हमारे घर से 12-15 किलोमीटर दूर है नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ चाइना से पढ़े आयलथिन, फाहियान अवालथिन, हुएन सॉन्ग अवालथिन। जब जब आप बन जाएंगे SDM DM, तो हाँ क्या आप मतलब कुछ टेबल के नीचे से लेना देना करेंगे या नहीं, या फिर मतलब पूरा मतलब सख्ताई से काम होगा बिना उसके? देखिए भाई जी, वो सब नियति और समय निर्धारित करता है, हम अभी कैसे कह दें कि हम टेबल के नीचे लेंगे कि कुर्सी के ऊपर लेंगे, है ना, कि जहाँ मन जहाँ ले लेंगे, अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। ना ना कहना क्या चाहेंगे, बढ़िया है, हम कहना क्या चाहेंगे, ठीक है अच्छा, बोलिए कितने घंटे सवाल। पढ़ते थे? बहुत सारे लड़की लड़कों को मैंने कहते हुए देखा, टॉपर को कहते हुए देखा, मैं 24 24 घंटे पढ़ता था, हिलता नहीं था टेबल झूठ झूठ से। बोलता है, 24 घंटा कोई पढ़ेगा पागल हो जाएगा, 10 घंटा पढ़ेगा जब पागल हो जाएगा, 24 घंटा कौन पढ़ेगा, सब बहुत झूठा बहुत है। बहुत टॉपर बोलता है हाँ हम। कुछ कुछ बोल देता है कि हम फर्स्ट ईयर चैम्पियन निकाल दिए, अब वहाँ 6 साल से लगल है दिल्ली में, यहाँ 10 साल से तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू देगा, हम फर्स्ट ईयर चैम्पियन निकाल लिए, कहा लेकिन झूठ बोलेंगे कि हम फर्स्ट ईयर। तो बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है हाँ मैंने, जो बिहार के हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अश्लील गाना वगैरह बजाते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, कुछ कुछ हैं वैसे, ज़्यादातर तो तैयारी करते हैं, उनको क्या कहना, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अब देखो भाई जी, अब समाज में अश्लील है, रंगीला है, बढ़िया आदमी है, सब तरह के ना है जी, उम्र के हिसाब से सब लड़का रहा है। हम हाल ही 11-12 में पढ़ा लिया है, 14 में 13-14 में यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया है, 17-16 में, तब जैसे लड़कन सब रहा है, अभी कम उम्र के जवान रहा है, अश्लील गाना बजा दे है, हुआ नाच करवा दे है बिहार में, सब तरह के आदमी ना है। तो कहना यही चाहिए कि जरा धीरे धीरे जागरूकता। अब दूसरा बात है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है, GB नेट, GB फ्री रहा है, तब ऑलरेडी सबके पास एंड्रॉयड फोन रहा है, तब देख ले है सब, पोर्न देख ले है अच्छा, और ये भी गाना देख देख लेता है ले है। क्या? हाँ तो सही कह रहे हैं क्या आप? अरे देखो
अब तो मोबाइले है, तब का कौन करा है ना करा है, अब मोबाइले पर ही लड़की से रात दिन चैटिंग करा है, वहाँ पढ़े के नाम पर अलो पटना में कि हाँ पढ़ाई तैयारी कर रही है और लड़की से चैटिंग कर रहा है, और रिजल्ट निकलो तो जीरो, तो बाबूजी फोन कर सुन रिजल्ट ऐली हो, तो हाँ बाबूजी ना होली 4 नंबर से, तब ये सब होता है। पर जब आप पटना से दिल्ली आए थे यहाँ पे आपने क्या परिवर्तन देखा दोनों जगह, मुखर्जी नगर में कोचिंग के मामले में, पढ़ाई करने के मामले में, आप वहाँ पे भी रहे यहाँ पे भी रहे, यहाँ पे भी पीटी क्वालीफाई हुआ, वहाँ पे भी क्या अलग दिखा दोनों में? देखो भाई जी हुआ रहा ना तो मतलब कि बीपीएससी भर रही है, अब बीपीएससी भर रही है तो और भी दुनिया भर के वैकेंसी पर नजर रखो, लेकिन हियाँ आयल हूँ तो हियाँ मतलब कि बीपीएससी करूँ आईएएस करूँ, हियाँ यूनिडायरेक्शनल है, हुआ है कि हुआ पटना में सब लड़कन रहा थी उनको ग्रुप डीओ को फॉर्म भरल थो ना, एमटीएस के भरल थो ना, अब बीपीएससी अलो तो वह भर दल थोन है ना, आ ग्रुप डीओ के भरल थो ना, पुलिसों के भरल थो ना, दरोगों के भरल है आहोर लो है को मेरा, अरे भाई वह तैयारी करना होता है एक चीज़ की तैयारी कर, है एमटीएस टी तोरा बनना हो तो खाली एमटीएस बन और बाद दूसरा चीज़ बनिया, तो एक साथ सब चीज़ के घोर मठा है ना खिचड़िया पढ़ाए तो वैसे थोड़े नौकरी बढ़िया। एक दिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक लड़की और एक लड़का दोनों साथ में रहते थे और उसकी गर्लफ्रेंड जो है ना दरोगा बन गई थी, फिर उसने उस लड़के को भूल गई, अब वो लड़का पीछे पीछे घूम रहा है कह रहा है नहीं इससे मैं शादी करना चाह रहा था, इसने पहले बोला था अब ये बदल गई, ऐसा भी हो जाता है क्या उधर? अरे यही सब होवे करता भैया, यही सब होवे करता है, लड़की की नौकरी लग जाएगा तो लड़का के बहुत वैल्यू देगी जी, है तो लड़का के यूज कर करके उसका नोट्स पढ़ के उसको यूज कर करके वो आगे निकल जाएगी, फिर कहेगी हमारा अब दूल्हा चाहिए नौकरी वाला, तू तो बेरोजगार है, हाँ तो हम लड़का सब के यही कहे कि भाई वाह पहले अपन देख, पहले अपन देख। ओके हाँ ये सभी बिहार के लोगों को चने खाना बहुत पसंद होता है कि सुबह उठेंगे कुल्ला वुल्ला करेंगे और चने खाएंगे फिर पढ़ाई में लग जाएंगे। अरे हाँ तो चना हुआ जो क्या हुआ, दिमाग बढ़ावा है चना, चना के सत्तू हमारे बाबूजी हुआ गांव में खाते थे, हमारे दादाजी भी चना के सत्तू खा थे, हमारे दादाजी बाबूजी ना गांव के जितना भी स्थानीय आदमी हथिन किसान हथिन वो चना के सत्तू खा थे, हम भी चना फुला के खा ले है, सुबह में नाश्ता हो जाए वो बजरिया वाला 10 रुपये वाला सिंघाड़ा खाए से अच्छा ना है जी चना खा लो जी, सिंघाड़ा भी खाइए ऐसा बात ना है, समोसा भी खाइए, लेकिन चना है जे हमार घर के चना, हम वहाँ गाँव से हम चना ले के लिए यहाँ 5 किलो फुला के खा लिए, कभी कभी घूघनी बना लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के हमने सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। दोस्तों आज हमारे साथ में एक दोस्त हैं, इनका नाम है धनंजय यादव और ये बिहार से हैं, जब ये बिहार में रहते थे तब भी इनका पीटी क्वालीफाई हुआ था बीपीएससी का, जब ये दिल्ली आए तब भी इनका पीटी क्वालीफाई हुआ, जब बिहार में रहते थे तो बीपीएससी 66 का हुआ था और जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में आए तो यहाँ पे 67 का हुआ दोस्तों, लेकिन इन्होंने कोचिंग कभी ज्वाइन नहीं किया, ये खुद से पढ़ते थे, खुद से इन्होंने पढ़ाई की और बहुत मेहनती बिहार के स्टूडेंट होते ही हैं, इनसे ही जानेंगे। जब ये दिल्ली इधर आए थे तो मैंने इन्हें खुद देखा था, 4-5 महीने में ही इन्होंने खुद से पढ़ के पीटी क्वालीफाई कर दिया, ये पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, मोबाइल वगैरह से बहुत दूर रहते हैं, तो आज मैंने इनसे टाइम मांगा था, बहुत दिनों से मांग रहा था लेकिन आज इन्होंने दिया, तो इनसे ही जानेंगे बिहार में कहाँ से हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है और आखिर क्यों बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के छात्र छात्राएं सरकारी नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, है ना धनंजय जी? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा धनंजय जी, बिहार में आप कहाँ से हैं और पिताजी क्या करते हैं आपके? शिवम भाई हम नालंदा जिला से ही हो, बिहार में नालंदा जिला से ही हो, और हमारे पापा किसान हथुन, खेती बाड़ी है को खेती बाड़ी कर रहा था, हम पढ़ाई कर लियो यहाँ बीपीएससी की तैयारी करे ला, पहले पटना में रह लियो, पटना में भी तैयारी कर लियो है, लेकिन पटना में ओइसन टेस्ट सीरीज वगैरह मतलब कि नहीं था अच्छा, तो यहाँ आ गलियो दिल्ली और वहाँ सर्किल हमारे ज़्यादा हो गलो हल तो दिल्ली आ गलियो। दिल्ली आप अकेले यहाँ पे रहते हैं, हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, ये बिहार के छात्र छात्राएं रहते हैं इतना जोश और जुनून कहाँ से लेके आते हैं, हाथ धो के पूरा पीछे ही पड़ जाते हैं? देखो भाई जी हमन ही के और मतलब कि बिहार में ओइसन कोई संभावना ना है कि प्राइवेट सेक्टर चाहे बढ़िया कंपनी चाहे हमनी सब वैसा परिवार से ही आए, समान परिवार से ही, किसान के बाल बच्चा ही है, किसान के बेटा ही, तो ना पढ़ भी तो फिर हमनी सब आगे कैसे बढ़ भी? अच्छा कभी मैं आपको यहाँ पे रोक करके ये पूछना चाहूँगा, वैसे बहुत सारे दोस्त कहते हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये वायरल होता है कि अगर एक लड़की को मनचाहा पति चाहिए तो वो सोमवार का व्रत रखती है, लेकिन एक लड़के को मनचाही पत्नी चाहिए, मुझे भी थोड़ा हंसी आ रही है पूछने में वैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि अगर एक लड़के को मनचाही पत्नी चाहिए तो उसे फिर एनडीए सीडीएस या फिर यूपीएससी स्टेट पीसीएस बीपीएससी क्वालिफाई करना पड़ता है तब मिलती है, कभी इसके लालच के चक्कर में तो नहीं है कि अच्छी पत्नी मिल जाएगी आप? नहीं नहीं वैसा बात नहीं है, ये हमारा समाज है, अपना समाज जो है बिहार में ना, और हमें ये
प्रचलन है बहुत साल पहले से, समझ लूँ ना, कि कोई भी हथिन लड़की उनका बढ़िया लड़का चाहिए, नौकरी वाला चाहिए, तो नौकरी वाला चाहिए तो लड़का भी तो हथिन तो तैयारी कर रहा हथिन नौकरी के, अच्छा नौकरी के तैयारी कर रहा हथिन। और अच्छा नौकरी मतलब जो बिहार में वैकेंसी निकला है, SSC BPSC दरोगा उरोगा दुनिया भर के वैकेंसी निकला है, तो सबके तैयारी करा हथिन, ओकर बाद क्वालिफाई करा हथिन, ज्वाइनिंग करा हथिन। एगो और सबसे बड़ा बात है, ये सब बात तो दूर है, पहला बात तो ये है कि दहेज प्रथा चला है बिहार में मनमाना ढंग से, है ना। आप लेंगे या नहीं लेंगे बनने के बाद? देखो अब तो भाई बन भी था ना, अब बनला के बाद तो अब लेना, अब देवे में कोई देती हमारा दहेज तो हमारा लेवे में का दिक्कत है। अरे मतलब लेंगे आप, आपको तो लेना नहीं चाहिए, आप खुद ही बन जाएंगे। अरे बन जाएंगे तो कोई दे देती तो ले लो भाई, ना देती तो वैसा जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब देखो अब जैसे शादी भी हो भाई, जैसे नौकरी वाली लड़की थोड़ा मिल गई थोन, हमू नौकरी कर ली है, नौकरी वाली लड़की मिल जाती तो उनका फिर दहेज मायने ना रखा है। अब मान लिया कि जैसे तू दिल्ली में रह के तैयारी कर, इतना खर्चा कर लो, महाराष्ट्र में चाहे पुणे में चाहे और MP में जबलपुर कहीं भी है जो मतलब कि जाके हुआ तू इंजीनियरिंग के पढ़ाई कर लो, 10 लाख 15 लाख खर्चा कर लो, तो हुआ बिहार में प्रचलन है कि जितना खर्चा वा कर लियो है ना उतना लड़किया के बाबूजी से लड़कावा के बाबूजी वाला वसूला हथिन, है ना। अभी खर्चा वर्चा हुआ है या अच्छा एक चीज़ जानना चाहूँगा धनंजय जी, तैयारी के दौरान आपकी कोई गर्लफ्रेंड महिला मित्र वगैरह थी क्या? देखो गर्लफ्रेंड तो सबके रहा है, गर्लफ्रेंड सबके रहा है, कोई के सपोर्टिव रहा है और कोई कोई मतलब कि ऐसे ही समझ लूँ ना टाइम पास रहा है। तो गर्लफ्रेंड उम्र के हिसाब से प्यार सबके हो जा है, गर्लफ्रेंड भी सबके रहा है, लेकिन कोई के प्यार सक्सेस हो है, कोई के प्यार सक्सेस ना हो है। तो हमार गर्लफ्रेंड ना हथिन, हमारा गर्लफ्रेंड ना हथिन, हम गर्लफ्रेंड के पीछे रहो ना कर, और पढ़ लिखे कुछ बन जाए तो फिर गर्लफ्रेंड मायने ना रखा है। अच्छा कुछ दोस्त थे, मैंने हमने सब जहाँ से जौन पृष्ठभूमि से आवा ही ना, वो सब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला कल्चर हमने सब ना देखा लिया, गांव से उठ के लिया है। बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ तक पहुँच के लिया, किसान के बेटा ही है, BPSC निकाल लिया है, फाइनल करवाए, आज भी रिजल्ट होले है, PT के मेन्स के एग्जाम दवाए, पहले भी रिजल्ट होले है, मेन्स दे लिया है, कुछ नंबर से फाइनल सिलेक्शन ना होला है, दरोगा के रिजल्ट होले हाल, रेंज ऑफिसर के रिजल्ट होले हाल, दरोगा में फिजिकल में रह गया है, रेंज ऑफिसर में इंटरव्यू दे ली लेकिन कुछ नंबर से फाइनल सिलेक्शन ना होला है। और भी हम पहले बहुत रिजल्ट दे लिया है, SSC के रिजल्ट दे लिया है, रेलवे के भी रिजल्ट दे लिया है, पुलिस तुलिस दुनिया भर के रिजल्ट दे लिया, हम दुनिया भर के एग्जाम में दुनिया भर के रिजल्ट दे लिया है, लेकिन हमारा मेन टारगेट है BPSC करना है। BPSC के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं? देखो BPSC के हाथ धो के पीछे पड़े के बात कहो तो हमनी के जो स्टैंडर्ड है, जितना समय पढ़ाई लिखाई में दे ली ना शिवम भाई, वो तो अब हमनी के BPSC ही है, और हमारा छोटका चीज छुए के मनो न कर है, BPSC होते तो बढ़िया है। आपके BPSC में धांधलेबाजी बहुत आरोप लगा रहे हैं छात्र की, मतलब गड़बड़ हो जा रही है, सीट बिछ रही है, ऐसा स्टूडेंट कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्वेश्चन गलत दे दे रहे हैं, ऐसा मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है, फिर भी आप तैयारी करने, पेपर लीक हो जाता है। हाँ तो वो पेपर तो लीक हो ही जाए, वो तो पुराना प्रचलन है बिहार के, बिहार में 1994 से 1994 से पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक के सेटिंग के बड़ी करीब से हम जाना ही, बड़ी करीब से देख ली है, समझ लूँ ना। तो अब BPSC की तो प्रचलन है आज से नहीं, जहिया से BPSC का स्थापना होले, जहिया से गलत सवाल देवे के धांधलीबाजी के सिस्टम में BPSC के अंदर में जिनखर आदमी हथुन उनखर बाल बच्चा रिश्तेदार चाहे और जानने वाला आदमी पैसा से इंटरव्यू मैनेज हो जाए, हमने सब की फाइनल सिलेक्शन काहे ना होले है, वही सब चलते है ना। तो वही तो और मतलब कि पढ़ के खूब अच्छा कर पड़ते, जैसे फाइनल सिलेक्शन लेवा लगी तोरा फाइनल सिलेक्शन लेना हको ना तो तू सोचू कि हम टॉप करी तब ये तोरा फाइनल सिलेक्शन हो। तो अच्छा कितने घंटे यहाँ पे पढ़ते थे आप? यहाँ पे 3-4 महीने पहले आए थे और दोबारा आपने क्वालिफाई कर दिया, कितने घंटे यहाँ पे पढ़ते थे, क्या क्या पढ़ चुके हैं? बहुत सारी किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं आपकी, ये सब? हाँ जो सिलेबस है ना BPSC के वही पढ़ाई है। हाँ ऑप्शनल ज्वाइन क्यों नहीं करते आप? बहुत सारे स्टूडेंट तो यार कोचिंग ज्वाइन करने आते हैं। हाँ, टेस्ट रीज्वाइन के लिए है तो ओकरा में टेस्ट दे ही है तो ही पता चला है कि नंबर कहाँ गलती है, कहाँ अच्छा और इम्प्रूवमेंट आंसर राइटिंग करे के है, वो सर बतावा हथिन। टेस्ट रीज्वाइन के लिए है, कोचिंग ज्वाइन करे के अब हमारी उम्र है जी, हम लोग तो इतना पढ़ ले लिया कि अब कोचिंग ज्वाइन करे के उम्र है, अब मास्टर यहाँ पढ़ावा हथिन तो हम मास्टर के ना जाना है, सब असफल मास्टर यहाँ पढ़ावा हथिन बढ़िया है। अब तो सोशल मीडिया के ज़माना है, इतना नोट्स है, नोट्स वगैरह है और ढेर सारा मतलब कि क्या कहते हैं उसको, मैंने ये बुक दुनिया भर का है और यूट्यूब पर ढेर सारा मटेरियल है, नोट्स है और PDF वगैरह में सब में मिल जाए तो वही सब से। अब दूसरा बात है कि हमने सबके इतना उम्र हो गया कि माइंड डेवलप हो गया, कोई भी चीज़ है जो देखा ही है पढ़ा ही है तो पकड़ ली है, और बाद सिर्फ अपने से नोट्स बनावा ही है, नोट्स बना के आंसर राइटिंग में टेस्ट देवे जा ही है, कहाँ गलत है, कहाँ और अच्छा इम्प्रूवमेंट करे के है वो सर बतावा हथिन।
ग्रेजुएशन वगैरह आपकी कहाँ से हुई? और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी जो वहाँ की लोकल भाषा है उसमें ही बात कर रहे हैं, बदले नहीं है, कभी बदलना नहीं चाहिए। देखो भाई जी, हमने जहाँ से लिया ना, जहाँ से मतलब कि बदले की कोई परंपरा ना है, समझ लो ना, हम लोग का जो वहाँ शैली है जो वसुधा कुटुम्बकम वाला बात है, समझ लो, जैसे आज ही हो जैसी पहले भी हलिए, अब SDM बनना है, DSP बनना है, जे भी बनना है, BDO बनना है, चाहे दरोगा चाहे जे भी बनवे ना, बनला के बाद भी हम वैसे रह, बस सहायता वाला भावना रहता है ना। समाज ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से हुई थी आपकी? ग्रेजुएशन हम के लिए पटना यूनिवर्सिटी से, और पटना यूनिवर्सिटी से हम LLB भी किए हैं, लॉ का भी डिग्री मेरे पास है, कुछ है ना, या नहीं सब कुछ लेने में ही लगे हैं आप, वकील भी हैं? हाँ हाँ, मैं वकील का भी डिग्री है मेरे पास। अच्छा, तो मतलब कुछ छोड़ेंगे या नहीं, सारी डिग्री लेने में लगे रहेंगे? नहीं नहीं, देखिए अब तो डिग्री लेने का पढ़ाई का कोई सीमा ना है भाई जी, है ना, पढ़ाई का कोई सीमा ना, PhD कर सकते हैं, MHD कर सकते हैं, डॉक्टरेट का उपाधि मिल सकता है, है ना। अब तो पढ़ रहे हैं तो भाई पढ़िए ना रहे हैं, पूरा जवानी तोरे में जाइए रहा, पढ़ी में जाइए रहा। तब बिहारी छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? मैं देखता हूँ वहाँ के टीचर और छात्र छात्राओं के अंदर बड़ा जोश रहता है, बहुत सारे छात्रों को देखा है, जैसे SK झा सर से मैंने देखा है पढ़ते हुए, कहीं रोड के साइड पढ़ रहे हैं, कोई नदी के किनारे पढ़ रहा है, कोई रेलवे स्टेशन पर पढ़ रहा है, इतना जोश जुनून कहाँ से आता है? क्या कहना चाहेंगे उनको आप? बिहारी छात्र को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में एक जोश है, जुनून है, मोटिवेशन है बिहारी छात्र। बिहारी छात्र अपना दुनिया के कहीं भी चल जीवू ना, दुनिया के कोई भी संस्था में, IAS में, IPS में, बिहार सरकार के चाहे भारत सरकार के जितना भी बड़ा बड़ा संस्थान है, सब में थोड़ा टॉप लेवल के अधिकारी बिहारी मिलते हैं, टॉप लेवल के अधिकारी बिहार सरकार के, अभी कम से कम 10 बिहार सरकार के, और बिहार सरकार तो बिहार सरकार ही है, भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कम से कम थोड़ा 10-15 सेक्रेटरी हथिन, IAS हथिन जो बिहार के हथिन, समझ लूँ ना, तो उस सब में कोई दिक्कत ना है। पुराना जमाना से हम जो नालंदा के जही है, नालंदा के ना, वो पूरा विश्व के शांति के संदेश दल के हला, नालंदा विश्वविद्यालय में जो हमारे घर से 12-15 किलोमीटर दूर है नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ चाइना से पढ़े आयल थी, फाहियान आवाल थी, हुएन सॉन्ग आवाल थी, समझ लूँ ना, पढ़े लगे आवाल थी, अब बुद्ध भगवान और ये महावीर भगवान और पटना के धरती पर ये क्या कहते हैं, ये व्याकरण के जो पाणिनी थे, पाणिनी नहीं सॉरी, ये भास्कराचार्य थे, आर्यभट्ट थे, गणितज्ञ थे, है ना, जीरो के आविष्कार किए थे, वशिष्ठ नारायण जैसे महान गणितज्ञ थे, है ना, तो ये सब पटने के धरती पर थी ना, नालंदा के धरती पर, मगध के धरती से पैदा ले थी ना, और उस समय कोई दिक्कत ना है, पहले ही से बिहार है जो बिहार के प्राचीन परंपरा है ना, बड़ी वैभवशाली रहले है, तो बिहार बिहार है अपने आप में, बिहार है जो लोकतंत्र के पहला जननी हले, है ना, पूरा विश्व में सबसे पहला लोकतंत्र बिहार में वैशाली में स्थापना होल, ओकर बादे पूरा विश्व में है जो लोकतंत्र की स्थापना होल। आपको पसंद क्या है, गाना लिखना, गुनगुनाना, डांस करना, बैंड बाजा बजाना, या फिर किताबें पढ़ना? अरे हम लोग का पसंद क्या रह जाएगा भाई, हम लोग तो अब हो गए पौढ़ावस्था में आ गए, हम लोग का अब नौकरी लेके अब ब्याह शादी करे की उम्र है, पसंद कुछ ही कराती हमने क्या, अब कभी कभी मन उब जाए पढ़ते पढ़ते तो खेसारिया के गाना सुन ली, खेसारी लाल यादव के गाना, का गाना भी सुन, हाँ, खेसारी लाल यादव के गाना सुन ली है। अच्छा, मनीष कश्यप को नहीं देखते क्या? वो बहुत बिहार के मुद्दे उठाते हैं बढ़ चढ़ के। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मनीष कश्यप, अच्छा बात है, मनीष कश्यप को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी में उनसे मिला हूँ। ऐसा लगता है काम बिहार के लिए बहुत अच्छा काम, मतलब बढ़ चढ़ के कोई भी मुद्दे उठाते हैं आप लोग, देखते हैं स्टूडेंट हैं आप, स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता पढ़ने के अलावा? नहीं नहीं, ऐसा थोड़े हमारा, हम लोग को टाइम पढ़ने के अलावा कितना पढ़ेगा, पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते जी, अरे 6 घंटा पढ़ जाएगा, 8 घंटा पढ़िएगा तो वहाँ रखल पार नहीं लगेगा, पढ़ने का लिमिटेशन एक होता है, समझ लो ना, तो वही लिमिटेशन को फिर पढ़ के वीडियो देख लिए, इधर उधर के कहानी जान लिए, पॉलिटिकल मुद्दा देख लिए, है ना, बिहार का न्यूज़ देख लिए। बिहार का न्यूज़ में देखने सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं आप? बिहार में न्यूज़ तो बहुत सारी चलती है, पसंद किसको करते हैं, मनीष कश्यप को या फिर रवीश कुमार को? देखिए मनीष कश्यप और रवीश कुमार दोनों के अपन अपन गरिमा है, मनीष कश्यप हथिन जो स्थानीय आदमी हथिन, रवीश कुमार हथिन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनका प्रख्यात विख्यात हथिन, उनका रवीश कुमार के मिले हैं मैग्सेसे अवार्ड मिले हैं, तो रवीश कुमार बहुत ईमानदार आदमी हथिन, मोदी जी जो NDTV के अडानी के दे देते तो इस्तीफा दे देते, उनका कहना है कि हम गुलाम ना रहो, इस्तीफा दे देन, बढ़िया आदमी हथिन, मनीष कश्यप भी बढ़िया आदमी हथिन, सबका अपन अपन गरिमा है, मनीष कश्यप और रवीश कुमार के तुलना अतुलनीय वो सब आदमी है, समझ लो ना। जब जब आप बन जाएंगे SDM DM, हाँ, तो क्या आप मतलब कुछ टेबल के नीचे से लेना देना करेंगे या नहीं, या फिर मतलब पूरा मतलब सख्ताई से काम होगा बिना उसके? देखिए भाई जी, वो सब नियति और समय निर्धारित करता है, हम अभी कैसे कह दें कि हम टेबल के नीचे लेंगे कि कुर्सी के ऊपर लेंगे, है ना, कि जहाँ मन जहाँ ले लेंगे, सब कौन जानता है? आपको पता होगा कि लेना है मुझे या नहीं लेना? अरे भाई, अब देगा तो लेवे में का हर्जा है
अच्छा ये बताइए दोस्तों, हम लोग आए थे तो धनंजय जी लड्डू लेकर के आए थे बेसन के, हमने भी खाए हैं लेकिन अभी इन्होंने नहीं खाए, बाकी हमारे दोस्त आए थे उन्होंने भी खाए हैं। अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। ना ना, कहना क्या चाहेंगे, बढ़िया है, हम कहना क्या चाहेंगे, ठीक है अरे बोलिए कितने घंटे सवाल। पढ़ते थे, बहुत सारे लड़की लड़कों को मैंने कहते हुए देखा, टॉपर को कहते हुए देखा, मैं 24 24 घंटे पढ़ता था, हिलता नहीं था टेबल झूठ से। झूठ बोलता है, 24 घंटे कोई पढ़ेगा पागल हो जाएगा, 10 घंटा पढ़ेगा जब पागल हो जाएगा, 24 घंटा कौन पढ़ेगा, सब बहुत झूठा बहुत है। बहुत टॉपर बोलता है हाँ, हम। और कुछ कुछ बोल देता है कि हम फर्स्ट ईयर चैम्पियन निकाल दिए, अब वहाँ 6 साल से लगल है दिल्ली में, यहाँ 10 साल से तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू देगा, हम फर्स्ट अटैम्प्ट निकाल लिए, कहा लेकिन झूठ बोलेंगे कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट निकाल दिए। अरे हम एक दो अटैम्प्ट दे चुके हैं भाई, नहीं हुआ तो हम यहाँ आए तैयार कर ला, और बढ़िया से तैयारी करेंगे। अरे हम लोग जहाँ से आए हैं, हम लोग गाँव से आए हैं, परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, महाराज पढ़ लिख गए, लॉ का डिग्री ले लिए, बीपीएससी पास कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन होगा, यही कम बात है जी। हम लोग जहाँ से आए हैं मतलब कि एकदम समझिए खेत से उठ के आए हैं, गौशाला से उठ के आए हैं, है ना, यही सब बात है, गाय के गोबर के बगल से उठ के आए हैं। अच्छा बीपीएससी की तैयारी आप क्यों करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं या फिर पावर को हाथ में लेना चाहते हैं, अच्छी शादी ब्याह हो जाए इसलिए, एक रुतबा हो जाए इसलिए। अब जो समझिए, अब तो भाई अब बीपीएससी वैकेंसी निकाल रही है, पढ़े हुए हैं, कैलिबर है कि लगता है कि हाँ बीपीएससी क्वालिफाई कर देंगे, कई चरणों को पार कर लिए हैं, तो कॉन्फिडेंस आया है, तैयारी कर रहे हैं, अब तो किसी का तय नहीं है, किसी का लिखा हुआ नहीं है कि खाली तुम ही तैयारी करो तो तुम डीएसपी, तुम्ही को तैयारी करना है, बीपीएससी सबके लिए ओपन है, हम भी भाग आजमा रहे हैं, है ना। अच्छा अब एक चीज जानना चाहूंगा, आपको चने खाना बहुत पसंद है, हाँ, ये सभी बिहार के लोगों को चने खाना बहुत पसंद होता है कि सुबह उठेंगे कुल्ला उल्ला करेंगे और चने खाएंगे फिर पढ़ाई में लग जाएंगे। अरे हाँ, तो चना हुआ जो क्या हुआ, दिमाग बढ़ावा है चना, चना के सत्तू हमारे बाबूजी हुआ गांव में खाते थे, हमारे दादाजी भी चना के सत्तू खाते थे, हमारे दादाजी बाबूजी ना गांव के जितना भी स्थानीय आदमी हथिन, किसान हथिन, वो चना के सत्तू खाते थे, हम भी चना फुला के खा लीजिए, सुबह में नाश्ता हो जाए, वो बजरिया वाला 10 रुपये वाला सिंघाड़ा खाए से अच्छा ना है जी, चना खा लो जी, सिंघाड़ा भी खाइए, ऐसा बात ना है, समोसा भी खाइए, लेकिन चना है जे हमारे घर के चना, हम वहाँ गांव से हम चना ले के लिए यहाँ 5 किलो फुला के खा लीजिए, कभी कभी घूगनी बना लीजिए। हाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है मैंने जो बिहार के हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अश्लील गाना वगैरह बजाते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, कुछ कुछ हैं वैसे, ज़्यादातर तो तैयारी करते हैं, उनको क्या कहना, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अब देखो भाई जी, अब समाज में अश्लील है, रंगीला है, बढ़िया आदमी है, सब तरह के ना है जी, उम्र के हिसाब से सब लड़का रहा है, हम हाल ही 11 12th में पढ़ा लिया, 14 में 13 14 में यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिया, 17 16 में, तब जैसे लड़कन सब रहा है, अभी कम उम्र के जवान रहा है, तस्लील गाना बजा दे है, हुआ नाच करवा दे है बिहार में, सब तरह के आदमी ना है, तो कहना यही चाहिए कि जरा धीरे धीरे जागरूकता। अब दूसरा बात है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है, जीबी नेट जीबी फ्री रहा है, तब ऑलरेडी सबके पास एंड्रॉयड फोन रहा है, तब देख ले है सब, पोर्न देख ले है और ये भी गाना देख देख लेता है ले। क्या? हाँ तो सही कह रहे हैं क्या आप? अरे देखो अब तो मोबाइले है, तब कहा कौन करा है ना करा है, अब मोबाइले पर ही लड़की से रात दिन चैटिंग करा है, वहाँ पढ़े के नाम पर एलो पटना में कि हाँ पढ़ाई तैयारी कर रही है, और लड़की से चैटिंग कर रहा है, और रिजल्ट निकल लो तो 0, तब बाबूजी फोन कर सुन रिजल्ट ऐली हो, तो हाँ बाबूजी ना होली 4 नंबर से, ये सब होता ये है। पटना पहले रहते थे उधर, शायद आपने ऐसा हाँ देखा हाँ होगा, तभी बता हाँ रहे हैं। हाँ बता रहे हैं हम लोग भी, मतलब कि जैसे समझ लो कि हम लोग भी गार्जियन के थोड़ा सा इधर उधर के लिए है, माने समय बर्बाद के लिए है, जैसे पढ़ाई लिखाई ना अच्छा से के लिए है, लेकिन अब कर रही है, हो जाए, जैसे बाबूजी हमनी के किसान हथिन, अनपढ़ हथिन, उतना एजुकेशन के बारे में ना जाना हथिन, तो हमनी हमू बाबूजी के कुछ झूठ मूठ उल्टा सुलटा बोल दिली है, बता दिए। मैंने बता दे रही है, मैंने जैसे होता है ना बुतरू सब ठाक दे है अपन पापा के, तो इसे कह रहे कि हाँ पापा ये या हुआ हुआ, कभी कभी तब तो वो सब थोड़ा सा आत्मग्लानी होता है कि बाबूजी को कभी कभी झूठ बोल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लेकिन मैच्योरिटी धीरे धीरे ना आता भाई जी। आप भी पहले बोल चुके हैं, फिर धीरे धीरे हाँ समझ गए, हाँ पछतावा हुआ है हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ अगर कभी आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले बिहार का, तो आप पीछे रहेंगे या सबसे आगे आ जाएंगे? ना यार उतना हमारा सपना ना हो भाई, वाह तेज मुख्यमंत्री, प्रताप यादव भैया हैं, भैया जी उनके साथ हाँ नहीं जाएंगे क्या? तेज प्रताप भैया से मेरा व्यक्तिगत जान पहचान है, पटना यूनिवर्सिटी में मैं उसके साथ अभी काम नहीं किया हूँ, बनना चाहते क्या? नहीं, मेरा वो पॉलिटिकल नहीं है कोई मुद्दा कि हमको नेता बने चाहे फेता बने, हमको पद मिल जाए वो बिहार सरकार में बीपीएससी का, और बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और मैं मास्टर मतलब कि डिजिटल बोर्ड खरीद के और बच्चों को गाइड करना चाहता हूँ अच्छा पढ़ने के बाद। खान सर 2 बनना चाहते हैं क्या आप? नहीं नहीं भाई जी, खान सर 2 नहीं बनना चाहते हम,
अरे कुछ हो जाए, मेरे से समाज में योगदान हो जाए। ऐसे भी हम बहुत लोगों को कल्याण किए हैं आज तक में। आप कह रहे हैं कल्याण किए हैं और नेता बनना नहीं चाहते हैं, बिना नेता बनने के मनसूबे से कोई करना है कि नेते बने को कल्याण करा है ना? नेता का कल्याण करा है जो हम जान, नेता कुछ कल्याण करते? अरे आप तो करेंगे। हाँ हम करेंगे, एजुकेशन के मामले में कुछ कर देवे कल्याण, लड़कन सबके गाइड कर देवे कुछ बनला के बाद। यही सब बात है बिहार में। दिल्ली, जब आप पटना से दिल्ली आए थे, यहाँ पे आपने क्या परिवर्तन देखा दोनों जगह? मुखर्जी नगर में कोचिंग के मामले में, पढ़ाई करने के मामले में, आप वहाँ पे भी रहे, यहाँ पे भी रहे, यहाँ पे भी पीटी क्वालीफाई हुआ, वहाँ पे भी, क्या अलग दिखा दोनों में? देखो भाई जी, हुआ रहा ना तो मतलब कि बीपीएससी भर रही है, अब बीपीएससी भर रही है तो और भी दुनिया भर के वैकेंसी पर नजर रखो, लेकिन हियाँ आयल हूँ तो हियाँ मतलब कि बीपीएससी करूँ, आईएएस करूँ, हियाँ यूनिडायरेक्शनल है। हुआ है कि हुआ पटना में सब लड़कन रहा थी, उनको ग्रुप डीओ को फॉर्म भरल थो ना, एमटीएस के भरल थो ना, अब बीपीएससी एलो तो वह भर दल थोन है ना, आ ग्रुप डीओ के भरल थो ना, पुलिसों के भरल थो ना, दरोगों के भरल है आहोर लोहे को मिना। अरे भाई वह तैयारी करना होता है, एक चीज़ की तैयारी कर, है एम टी एस ओ तरफ बनना हो तो खाली एम टी एस ए बन, ओकर बाद दूसरा चीज़ बनिया, तो एक साथ सब चीज़ का घोर मट्ठा है ना, खिचड़िया पढ़ाए तो वैसे थोड़े नौकरी बढ़िया। एक दिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक लड़की और एक लड़का दोनों साथ में रहते थे और उसकी गर्लफ्रेंड जो है ना दरोगा बन गई थी, फिर उसने उस लड़के को भूल गई, अब वो लड़का पीछे पीछे घूम रहा है, कह रहा है नहीं इससे मैं शादी करना चाह रहा था, इसने पहले बोला था, अब ये बदल गई, ऐसा भी हो जाता है क्या उधर? अरे यही सब होवे करता भैया, यही सब होवे करता है। लड़की की नौकरी लग जाएगा तो लड़का का बहुत वैल्यू देगी जी, है तो लड़का के यूज कर करके उसका नोट्स पढ़ के उसको यूज कर करके वो आगे निकल जाएगी, फिर कहेगी हमारा दूल्हा चाहिए नौकरी वाला, तू तो बेरोजगार है। हाँ तो हम लड़का सब के यही कहे कि भाई वाह पहले अपन देख, पहले अपन देख। ओके हाँ दोस्तों, आज हम धनंजय जी के साथ में थे नेहरू बिहार में, और क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट में आप बताइए? हम लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कहना यही चाहेंगे कि सब बढ़िया से पढ़े, बाप माँ के धोखा ना दे है ना, और अच्छा से पढ़े बिहार के। जिस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाए उससे शादी भी करे, बहुत बढ़िया बात है। अब वो कोऑपरेटिव है, समझदार है, लगता है कि हाँ जीवन मेरा सवर जाएगा इसके साथ, तो शादी करने में अच्छा है ना, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तो आज यूज एंड थ्रो वाला बात चल रहा है, है ना, फिजिकल रिलेशन लोग कर रहा है खाली, और कहता है हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जीने मरने की तमन्ना, कसम खा रहा है ये वो फलना ठिकाना। आपने तो नहीं खाई ना, नाल बटा सनाटा है। आपने तो केवल एक ही कसम खा रखी है, बीपीएससी को क्लियर करना है। अब जे कहिए, वो सब कसम पहले खाते थे लेकिन अब छोड़ दिए, अब हम बीपीएससी वाला कसम खा लिए हैं। अच्छा। हाँ जीने वो तो प्यार वाला कसम सब खा है भाई जी, समझ लो ना। कितनी बार खाए आप? हम खाए हैं वो एक आध बार खाए होंगे, लेकिन हम अब नए खाते हैं। छोड़ दिया है। दोस्तों आज हम धनंजय जी के साथ में थे, इन्होंने दो बार पीटी क्वालीफाई किया है, इसके अलावा इन्होंने और भी एग्जाम जो हैं उनका भी दिया है, किसी में इंटरव्यू में रह गए तो किसी में फिजिकल में, लेकिन अभी ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारी इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कहाँ पर रहकर अपनी तैयारी करते हैं? क्या आप भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, या फिर यूपीएससी की, या फिर स्टेट पीसीएस की, एनडीए सीडीएस, जिसकी भी करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अच्छा आपने धनंजय जी, आपने दो बार क्वालिफाई किया पीटी, तो किताबें वगैरह कौन सी पढ़ते थे, सिलेबस वगैरह क्या होता था? बहुत सारे नए स्टूडेंट को नहीं पता, तो आप बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, ये भी बताइए कि कौन कौन सी आप पढ़ चुके हैं। हाँ किताब यही सब है पीटी के लिए, तो जैसे 150 क्वेश्चन पीटी में रहा है, तो 30 गो हिस्ट्री के सवाल रहा है, 30 गो करेंट के रहा है, 30 गो साइंस के रहा है, 10-15 गो पॉलिटी के रहा है, 10 गो ज्योग्राफी के रहा है, 10 गो बिहार स्पेशल, 10 गो मैथ रहा है। तो और अलग ही बेसिक बुक एनसीईआरटी पढ़ा लिया पहले, और एनसीईआरटी के बाद फिर लूसेंट पढ़ा लिया, और घटना चक्र का टोटल सेक्शन जो हुआ है, घटना चक्र के जो यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन बैंक टोटल पूछल रहा है यूपीपीसीएस के, वही घटना चक्र में कंपाइलेशन रहा है टोटल पीसीएस के स्टेट लेवल के, तो ओकरे पीटी के लिए पहले क्वेश्चन बैंक का टोटल पढ़ा लिया है, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और साइंस के, चार सेक्शन घटना चक्र के, एनवायरमेंटल के, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और एनसीईआरटी बुक फॉलो के लिया, यही बीपीएससी पीटी लगी। और पेपर कितने घंटे का होता है ये? पेपर तो हुआ है 2 घंटा के। लिख लिख के भी आप प्रैक्टिस करते थे क्या, लिख लिख के? ना शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाई ली है, और जैसे थोड़ा सा ग्रुपिंग हो जाए, एक आध और विद्यार्थी रहे थे जो तैयारी करा थे साथ है, उनका साथ डिस्कशन कर ली है, तो प्री तो ऑलरेडी पहले से क्वालिफाई हुई रही है, और मेंस लगी फिर जो है ऑप्शनल के तैयार के लिए है, ऑप्शनल के लिए ज्योग्राफी हमारा ऑप्शनल है, तो सविंदर सिंह से नोट्स बनाई ली है, ये नोट्स है दिखाइए जरा। अरे दीवार पे क्या लिख लिख के आपने लगा दिया है वहाँ पे पूरा सिस्टम? दीवार पर ये सब शॉर्ट नोट्स है, मान लिया कि जैसे कुछ कुछ चीज़ भुला गए
तो यही सब कुछ कुछ चीज़ भुला गया है, तो यही सब है, तो ये सब शॉर्ट नोट्स है, तो इसको लिख के लगा लेते हैं, डेली डेली याद कर लेते हैं, डेली डेली देख लेते हैं, तो नहीं याद भूलते हैं। और इसी यही सब बुक है, इसमें शॉर्ट नोट्स है, ये पॉलिटी की किताब है, ये अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की है, ये मेरा ज्योग्राफी का नोट्स है, ये मेरा ज्योग्राफी का नोट्स है, इसको एक बार एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लेते हैं, यही है। इसमें हाईलाइट भी कर देते हैं। हाँ, हाईलाइट कर देते हैं, ये ज्योग्राफी का नोट्स हुआ, और भी है, ये आस्था, ये इसका विज्ञान प्रौद्योगिकी का नोट्स है, साइंस टेक का है, और भी है बहुत सारी नोट्स, किताबें हैं। ये हिस्ट्री आर्ट कल्चर का नोट्स है, हिस्ट्री आर्ट कल्चर का नोट्स है, यही सब नोट्स से हम रिवीजन करते हैं, और भी है, इंटरनेशनल रिलेशन का नोट्स है, यहाँ ये इंटरनेशनल रिलेशन का नोट्स है, ये यही बताइए, सबसे। आप जो गाना सुनते हैं खेसारी लाल यादव का, कौन सा गाना सुनते हैं, थोड़ा सुना भी दीजिए, कौन सा सुनते हैं, याद है आपको थोड़ा बहुत? गाना तो यूट्यूब पर खेसारी लाल के ढेर है। आपको कौन सा पसंद है, जो आप सुनते हैं कौन सा पसंद है? तो ध्यान में ना आ रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव के गाना ढेर सारा है, देखिए ध्यान में नहीं आ रहा है, सॉरी, लेकिन रिकॉल करते हैं हम। करिए, बस थोड़ा सा सॉरी, कोई सा भी सुना दीजिए, छोटा सा। छोटा सा, अरे ये गाना भी खेसरिया के ट्रेंड में चल रहा है, नोट बरसेला तोरा नथुनिया पर, नोट बरसेला तोरा नथुनिया पर, यही है लगता है शायद। आप गाना सुनते नहीं है, झूठ बोलने आपको नहीं, याद नहीं है, झूठ बोलने आप गाना सुनते ही नहीं है। सुनते हैं लेकिन याद नहीं रखते हैं भाई जी, इतना सिलेबस है कि गाना याद रखेंगे गाना याद नहीं रखते, सिलेबस नोट्स के क्वेश्चन आंसर याद रखते हैं, है ना? ये हाँ। आप ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि ना ना दोस्तों गाना ज्यादा याद रखना जरूरी नहीं है, ये जो किताबों में हमने जो कुछ पढ़ा है वो याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है, ये है, अब तो किताब पढ़ रही है, किताबें ना काम करता है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।